Hey guys, welcome back to the channel. कैसे आप सब? होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली वेल. फेस तो नहीं भूल गए ना आप लोग? यार काफ़ी टाइम बाद मतलब मैं फेस कैम बना रहा हूँ और आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिल रहा इस टाइम. मतलब काफ़ी टाइम से मैं देख रहा हूँ, बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं है. इधर मैंने फेस कैम वीडियोस बनाई भी नहीं, इसी वजह से नहीं बनाई क्योंकि बिल्कुल भी सपोर्ट देखने को नहीं मिल रहा है. और जो मैंने मतलब 2 साल मतलब बनाई है वीडियोस, जितना मैंने काम किया है उसके अगर कंपैरिजन में देखा जाए तो मुझे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिला. सिर्फ 2500 सब्सक्राइबर्स पे हूँ और मतलब मैंने अपनी कोशिश पूरी की है कि हाँ आपको वन ऑफ द बेस्ट वीडियोस प्रोवाइड कर सकूँ, जितना मेरे पास मतलब जितने भी इक्विपमेंट है सबका इस्तेमाल करके. बट कोई नहीं, आप लोग सपोर्ट करोगे मुझे पता है. और इस वीडियो से ही शुरुआत कर दो यार. नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसको दबा देना और जो बेल आइकन है वो प्रेस कर देना. अब हम इसी रियलमी बड्स एयर के बारे में बात करते हैं. अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो बड्स एयर है क्या खास है, मतलब काफ़ी सारे लोग तो ऑलरेडी इसके बारे में बात कर चुके हैं ना, तो इसमें मतलब ऐसा क्या खास है? अब देखो ये जो बर्ड्स है वो 1899 के लिए गए हैं. अब 1899 के अगर ये मिले हैं तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो कमी होगी होगी डेफिनेटली, है ना. तो ये जो बर्ड्स हैं वो रिफर्बिश्ड हैं. पहले मैं आपको बता दूं, ये जो मैंने परचेज किया है वो टू गुड से लिया है. तो टू गुड आपने सुना ही होगा, टू गुड जो है वो फ्लिपकार्ट पे देखने को मिल जाती है. उन्हीं की वेबसाइट पे आपको टू गुड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है जो कि एक रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट्स सेल करते हैं, जैसे कि स्मार्टफोन हो गया या फिर एक्सेसरीज हो गई, इस तरीके की काफ़ी सारी वहाँ पर देखने को मिल जाती है. इसी का मैं रिव्यू देने वाला हूँ आपको और ये 4000 के प्राइस सेगमेंट पे आते हैं, बट रिफर्बिश्ड में मुझे ये 1899 के मिले हैं. कैसे हैं प्रोडक्ट, बात करते हैं इसके बारे में. सो गाइस ये जो रियलमी बड्स एयर हैं इनकी जो क्वालिटी है वो मैं एक वर्ड में कहूँ तो आपको बिल्कुल भी रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट की तरफ नहीं जाना चाहिए. मैं मतलब वन वर्ड अगर आप आंसर सुनना चाहते हो तो बिल्कुल भी मत जाओ, क्योंकि मैंने जब ये परचेज किया तो मतलब मैं सोच रहा था कि रिफर्बिश्ड जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो मतलब कैसे होंगे, क्या सच में मतलब काफ़ी ठीक ठाक उसे होते हैं, क्योंकि ये जस्ट हाफ प्राइस पे है 1899 की. इसमें 3 मंथ्स की वारंटी आपको देखने को मिल जाती है, साथ ही साथ आपको मतलब 10 डेज का रिप्लेसमेंट या फिर 7 डेज का रिप्लेसमेंट देखने को मिल जाता है, इनफैक्ट रिटर्न भी देखने को मिलता है. तो मैंने सोचा क्यों ना इसको ट्राई करते हैं और देखते हैं कि रिफर्बिश प्रोडक्ट कैसा होता है. सो मैं आपको बताता हूँ, तो आप अनबॉक्सिंग देख करके आओ, मैं आपको बताता हूँ कि ये जो प्रोडक्ट है वो कैसा है. सो गाइस ये जो बॉक्स है वो टू गुड से मैंने परचेज किया है और यहाँ पर जो आपको पता होगा कि रियलमी बड्स एयर जो लॉन्च हुए थे इनके 4000 रुपीज़ के प्राइस पे, काफ़ी पुराने हो गए हैं. मतलब पुराने क्या, 1 साल तो नहीं हुआ बट 6-7 महीने होने वाले हैं और इसका अपग्रेड भी आ चुका है रियलमी बड्स एयर प्रो. बट ये मैंने रियलमी बड्स एयर मंगाए हैं और उनकी प्राइस जो है 4000 है और ये मैंने टू गुड से परचेज़ किया है जो कि मुझे 1899 के पड़े हैं. अभी देखते हैं यहाँ पर बॉक्स को, मैं डायरेक्टली आपके सामने ही ओपन करने वाला हूँ सील को. जो पैकेजिंग है वो काफ़ी ज़्यादा सॉलिड लग रही है, मतलब ये भी तक नहीं पता चल रहा है कि कहाँ से हमें इसको ओपन करना है. काफ़ी ज़्यादा ही सॉलिड पैकिंग यहाँ पर कर रखी है तो मुझे कहीं ना कहीं से इसको फाड़ना पड़ेगा. आई थिंक कहीं ना कहीं से तो फाड़ना ही पड़ता क्योंकि इसमें कुछ दिख नहीं रहा था, पता नहीं चल रहा था कि हमें बेसिकली बॉक्स खोलना कहाँ से. बहुत ही ज़्यादा सॉलिड पैकिंग कर रखी है टू गुड ने. चलो मुझे एक ये ऑप्शन मिल गया तो मैं यहाँ से एक बार ओपन कर लेता हूँ. तो ये यहाँ से ओपन हो जाता है और ये रहे पर्ट्स हमारे. सो बॉक्स हटाते हैं और ये रहे पर्ट्स, तो इसको भी हटाते हैं. और लग तो रहा है कि सॉलिड तो लग रहा है, वैसे पैकेजिंग तो वैसी फील आ रही जैसे नए की आती है. तो मैंने हटा दिया. यहाँ पे क्या दे रखा है इन्होंने, क्योंकि टू गुड की पैकेजिंग है तो यहाँ पे हमें एक एक चीज़ें देख के चलनी पड़ेगी क्या दे रखा है इन्होंने. ओके सो बिल है यहाँ पर और कुछ भी नहीं है. 1899 का जैसे कि आप देख सकते हो 1899 का ही मुझे पड़ा है. और ये रहे बड्स एयर, एक तो इन्होंने सॉलिड ऐसे नए जैसे करके दिए. यहाँ पे गुड पे मैंने लिया है, इसमें 4 क्वालिटीज़ होती है, मैं आपको दिखा दूंगा. जहाँ पे एक एक्सीलेंट होता है और एक वेरी गुड होता है शायद और एक गुड होता है. इसमें 3 मंथ्स की वारंटी आपको देखने को मिल जाती है. ये ऐसे नहीं कटेगा, इसको मुझे और तरीके से काटना पड़ेगा. पेन हमारी अनबॉक्सिंग का थोड़ा अलग तरीका है, हमें कुछ भी मिल जाता है हम उससे अनबॉक्स कर लेते हैं. सो ये हैं बड्स. तो यहाँ पे आपको मतलब कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है. मतलब यहाँ पे जो सेलोफेन लगी होती है, जो आपको यहाँ पे प्लास्टिक चढ़ी हुई देखने को मिलती है, वो भी देखने को नहीं मिल रही है.
और ये डायरेक्टली ऐसे ओपन हो जाते हैं। वैसे अभी तो सही लग रहा है देखने में, हल्का फुल्का कहीं कहीं आपको डर्ट लग रहा होगा मे बी, यहाँ पे पीछे साइड में लग रहा है, बट लग तो एकदम प्योरली नए जैसे रहा है। और इसको हटाते हैं एक बार, देखते हैं इसमें हमें केबल इन्होंने प्रोवाइड की है नहीं। ओके, सो यहाँ पे आपको टाइप सी केबल देखने को मिल जाती है और ये वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है, शायद आपको याद हो तो ये वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है। एक बार चेकआउट करके जरूर से देख लूंगा मैं सारी चीजें। तो यहाँ पे टाइप सी देखने को मिल जाती है और अब मैं इसको इस्तेमाल करके देखता हूँ, फिर आपको रिव्यू दूंगा इसको अच्छे से। अनबॉक्सिंग तो दोस्तों आपने देख ली, अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि ये जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो क्या है। सबसे पहली बात तो इसको कनेक्टिविटी में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा था, मतलब मुझे नहीं लगता है कि मैंने 10-12 हज़ार रुपये के जो ईयरबड्स या फिर नेकबैंड ट्राई किए हैं उनसे भी ज़्यादा टाइम लिया यार इसने कनेक्ट होने में। तो ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम थी इसकी। साथ ही साथ इसके बाद जब मैं आगे बढ़ा तो जब मैंने लगाया तो यहाँ पर बड्स काम कर रहे थे, बट जो ड्रॉप ऑफ बैटरी था, मतलब कि जैसे कि इनकी 100% बैटरी चार्ज है, तो जैसे ही मैंने इनको कानों में इस तरीके से लगाया और कनेक्ट किया तो ये मतलब तुरंत ही ड्रॉप होने लगी इनकी बैटरी। 5% लेफ्ट वाले की, 5% राइट वाले की, ऐसे करते करते ड्रॉप हो गए और राइट वाले की बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ड्रॉप हो रही थी, लेफ्ट वाले की फिर भी थोड़ा बहुत चल रही थी। तो ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो वो मैक्सिमम 1 घंटे चल पाए, उनसे कम ही चले होंगे, उससे ऊपर नहीं चल पाए। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, हो सकता कि ये वाला प्रोडक्ट इतना सही नहीं है, रिप्लेस कर देते हैं, जो दूसरा आएगा वो मे भी सही निकल जाए, बट ये तो उससे भी गंदा निकला। सीरियसली बताऊं कि इस पर काफ़ी सारे स्क्रैचेस पड़े हुए हैं, अगर आप सामने देख सकते हो, मैं स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ, काफ़ी सारे स्क्रैचेस पड़े हुए हैं, बहुत ही ध्यान से मैंने मतलब देखा, मतलब बाकी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं हुई मुझे, कोई भी जेस्चर में कोई इशू नहीं आया, सारे जेस्चर अच्छे तरीके से काम कर रहे थे। इनफैक्ट जब मैं इसको लगा रहा था और यहाँ पर जो वियरेबल वाला सेंसर है वो भी प्रॉपर तरीके से काम कर रहा था, सारी चीज़ें थी। अब जब मैंने इसको मंगाया, दूसरा मंगाया रिप्लेस करके, तो यहाँ पर सिर्फ राइट वाला बर्ड काम कर रहा था, लेफ्ट वाला काम ही नहीं कर रहा था, और जो राइट वाला कर रहा था उसकी बैटरी बहुत ही तेज़ी से ड्रॉप हो रही थी। सीरियसली मुझे लगा था कि हाँ कुछ तो ठीक होगा, बट इतनी ज़्यादा ख़राब एक्सपेक्टेशन नहीं थी मुझे कि ये मतलब एकदम ही कबाड़ तरीके से, मतलब इसका कोई सेंस नहीं बनता, कोई लॉजिक नहीं बनता है कि आप इसको खरीदो इतने प्राइस पे, ये हाफ पे भी बेच रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप नए ही परचेस करो, इनको परचेस करने का कोई भी सेंस नहीं है। और टू गुड से मैं कहना चाहूँगा कि मतलब क्या ही बेच रहे हो यार, अगर बेच ही रहे तो ढंग से बेचो, थोड़ा 200-400 रुपये एक्स्ट्रा ले लो भाई, तो 200 ज़्यादा ले ले लेकिन लैंड कराते, सही से बेचो। इतनी बड़ी वेबसाइट है और इस तरीके के प्रोडक्ट, कितना ख़राब एक्सपीरियंस है मैं बता भी नहीं सकता। मतलब यहाँ पर आप कुछ भी काम नहीं करता यार ढंग से, मतलब कनेक्टिविटी में इशू आता है, सेंसर्स प्रॉपर काम कर रहे थे, सेंसर्स में मुझे कोई इशू नहीं आया, बट जो कनेक्टिविटी है और जो यहाँ पर आपको जो वॉइस आपको देखने को मिलती है वो भी मतलब ठीक है, प्रॉपर वैसे ही सुनाई दे रही है, बट यहाँ पर बर्ड्स ही काम नहीं कर रहे हैं यार, सुनेंगे क्या, लेफ्ट वाला काम ही नहीं कर रहा था, राइट वाला काम कर रहा था, एक ही कान से सुनो, आवाज़ भी ठीक से नहीं जा रही थी, इनफैक्ट जो कॉलिंग है वो भी बहुत ही ख़राब एक्सपीरियंस था। क्या ही बोलूँ मैं, फ़िलहाल तो यही था कुछ एक्सपीरियंस इन्हीं रियलमी बर्ड्स एयर का। टू गुड से मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता, अगर आपको बर्ड्स लेने भी है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि रियलमी का बर्ड्स एयर नियो ले लेना, ऑलमोस्ट ऐसी ही साउंड क्वालिटी आपको उसमें देखने को मिल जाएगी, इनफैक्ट 95% आप समझ सकते हो कि जो साउंड क्वालिटी है वो ऐसी ही है। और यहाँ पे काफ़ी सारे ANC जैसे फीचर्स भी देखने को मिलते हैं, जहाँ पर आपको डुअल माइक देखने को मिल जाता है, इसमें बहुत कुछ देखने को मिलता है। 4000 से लेकर के 3000 के प्राइस सेगमेंट पे वो आए थे Realme Buds Air Neo, बट आज की डेट में वो आपको 2000 के प्राइस सेगमेंट पे देखने को मिल रहे हैं। इनफैक्ट इस समय तो सेल भी चली है फ्लिपकार्ट पे, आप देख सकते हो 1999 के वो देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इनकी प्राइस बहुत ज़्यादा ड्रॉप नहीं होती है, मैक्सिमम 200-400 रुपये हो जाती है, तो हो जाती है, इनमें काफ़ी सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं। अब मेरे पास वायरलेस चार्जर भी नहीं है, वरना मैं इसको वायरलेसली चेक करता कि ये वो चीज़ काम कर रहे हैं या नहीं, आई डोंट नो, मुझे वायरलेस का तो पता नहीं, बट जितने यूज़फुल फीचर्स थे वो सारे ही मैंने चेक कर लिए, वायरलेस का तो मुझे नहीं पता, बट यार बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं थी। तो होप करते हैं कि यार आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। और अगर आपको बर्ड्स एयर नियो लेना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, जा करके वो परचेस कर लेना, वहाँ पर आपको वायरलेस चार्जिंग नहीं देखने को मिलती, ना ही आपको मतलब शायद डुअल माइक का सपोर्ट शायद नहीं देखने को मिलता है।
तो बट वहाँ पे वॉइस क्वालिटी में कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती, बट अच्छा देखने को मिलता है रियलमी बड्स या न्यू। मैं काफ़ी रिकमेंड किया हूँ काफ़ी सारे लोगों को, काफ़ी सारी अच्छी रिस्पॉन्सेज देखने को मिले। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको लेना ही है 2000 के प्राइस पे तो बड्स या न्यू की तरफ जाओ, या फिर अगर 3000 के प्राइस पॉइंट पे जा रहे हो तो वन प्लस के बड्स जी ले सकते हो, वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। बट मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता कि आप टू गुड की साइट से कुछ भी परचेज करो। मैं वैसे भी रिटर्न करने वाला हूँ, कोई फायदा नहीं इसका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। डिस्क्रिप्शन में ये सारे सोशल मीडिया के लिंक्स हैं, तो जाकर के सपोर्ट करना, फॉलो करना, यहाँ पर भी यार फॉलो करो, क्योंकि मैं इसी तरीके से इंटरेस्टिंग के साथ साथ इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपके लिए लेकर के आता रहूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।